ये देखिए बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनाया है मैंने, जो बहुत ही डिलीशियस होता है और बहुत ही फटाफट बनता है और बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। ये हेल्दी फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी बनाई है विद चीज मैंने, बहुत ही यम्मी है। चलिए बनाते हैं। और एक नई रेसिपी के साथ में मैं आ गई हूँ आपके साथ। आज मैं बनाऊंगी हेल्दी फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी। उसके लिए मैंने 2 स्लाइस ब्रेड लिया है, 1 पिंच सॉल्ट ले लेंगे, 1 स्पून शुगर लेंगे, 1 चीज़ स्लाइस लेंगे और 1 अंडा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंडा तोड़ लेंगे और उसमें शुगर और सॉल्ट डाल दिया है, 1 स्पून शुगर ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको बीट करेंगे। शुगर मेल्ट होने तक हमको इसको बीट करना है। ये हमारा अंडा रेडी हो गया है और अभी जो ब्रेड का बीच में चीज का स्लाइस रख देंगे। हल्का सा प्रेस करेंगे और इसके 4 पीस कर लेंगे, ऐसा कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने ब्रेड को 4 पीसेस में कट कर लिया है और अभी एक पैन गरम कर लेंगे। पैन मैंने गरम कर लिया है और उस पर 1 चम्मच घी डाल दिया है और उसको पूरा स्प्रेड कर देंगे तवा में या पैन में। और अभी जो हमने ब्रेड कट करके रखे हैं वो अंडा में डिप करके इधर रखना है हमको फ्राई करने के लिए। ऐसा डिप कर लेंगे इसको। इस तरह से पैन में इसको रख देंगे फ्राई करने के लिए। इसी तरीके से सारे ब्रेड रख देंगे इधर। ये देखिए सब अरेंज कर दिए हैं और अब इसको दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। कितना अच्छे से पक गया है, बहुत ही फटाफट बन जाता है ये नाश्ता और बच्चों को बहुत पसंद आता है, बहुत ही डिलीशियस होता है ये, बहुत ही यम्मी लगता है ये खाने के लिए। देखिए दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, अब इसको निकाल लेते हैं पैन से। ये देखिए ये हमारी हेल्दी फ्रेंच टोस्ट विद चीज बनके तैयार हो गई है, जो बहुत ही डिलीशियस है और बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है खाने के लिए, बहुत ही इजी है बनाने के लिए। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही माउथ वाटरिंग लग रही है ये और बहुत फटाफट भी बन जाती है। आप इसको ट्राई करके मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी है ये रेसिपी। हेल्दी फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल बटन भी दबाना ना भूलिए, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलती रहे।